हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का टेक्निकल जीनियर चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप लोगों का कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर दोस्तों अगर आप लोगों का अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक का, तो अगर आपका खाता है और दोस्तों अगर आप लोगों का कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट के अंदर अपना ईमेल आईडी को अपडेट करना है तो किस तरीके से दोस्तों आप ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हो। दोस्तों देखो, ईमेल आईडी अपडेट करने का तीन तरीका है, जो कि दोस्तों पहला तरीका है आपको पता है कि बैंक ब्रांच में जाकर आप ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हो, और जो दोस्तों जो दूसरा तरीका है वो है दोस्तों आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हो, और जो दोस्तों तीसरा तरीका है वो दोस्तों मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। तो दोस्तों जो तीसरा तरीका है वही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन आप अपने मोबाइल फोन से ही जो ईमेल आईडी अपडेट कर पाओगे। बहुत ही इजी स्टेप है, ठीक है, बहुत ही इजी तरीका है, आप घर बैठे ही कर सकते हो ईमेल आईडी अपडेट अपने बैंक खाते के अंदर। तो कैसे करना, चलो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ईमेल आईडी को अपडेट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं प्ले स्टोर में गया, आपको कोटक 811 वाला ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना, जो कि 4.3 का इसका रेटिंग है। ये दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो है, ठीक है। तो मैंने इसको डाउनलोड करके ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, आप इसको ओपन कर लेना है, और इसको जैसे आप यहाँ पे ओपन करते हो, ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका ये एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन होगा। तो दोस्तों जैसे आप ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलेगा, तो आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन जो है कर लेना है। और रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं दोस्तों, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पे आपको आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वो आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। मैंने इसके अंदर ऑलरेडी पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना एम पिन, और एम पिन डाल के मैं इसको यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इस एप्लीकेशन के अंदर अपना एम पिन डाल दिया, लॉगिन पिन डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके पास नजर आएगा। आपको यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेना है, अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आता है तो आपको एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज देखो ये प्रॉब्लम नहीं भी आता है, ठीक है। तो मेरे पास आ चुका है ऐसा पॉपअप बन के, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए, देखो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको। देखो दोस्तों ये मोबाइल एप्लीकेशन हमारा पूरी तरीके से खुल चुका है। यहाँ से दोस्तों आप अपने कोटक महिंद्रा बैंक को जो है बहुत कई हद तक दोस्तों आप जो है मैनेज कर सकते हो अपने बैंक खाते को, ठीक है, इस एप्लीकेशन के माध्यम से। बट फिलहाल हमें यहाँ पे अभी ईमेल आईडी को अपडेट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सर्विस रिक्वेस्ट का। आपको यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन में आपको चले जाना है, और सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन में जैसे हम चले जाते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि डेबिट कार्ड मैनेज का, क्रेडिट कार्ड का, चेकबुक का, डीमैट रिक्वेस्ट, अप्रूव सर्विस रिक्वेस्ट, पेमेंट गेटवे, फॉरेक्स कार्ड, प्रोफाइल और स्टेटमेंट। आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे तो आपको जाना है इसके अंदर प्रोफाइल वाले ऑप्शन में। जैसे आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे देखो चार पांच यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि ईमेल आईडी अपडेट का, पैन कार्ड अपडेट और आधार नंबर अपडेट, FSTCA डिक्लेरेशन मिलता है आपको, नॉमिनेशन अपडेट का मिलता है, पैन आधार लिंक रिक्वेस्ट, और यहाँ पे जो है एड्रेस अपडेट और रीकेवाईसी, इतने सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं। बट हमें यहाँ पे ईमेल आईडी अपडेट करना है, तो ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा होगा ईमेल आईडी अपडेट, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर कर लेना है क्लिक। और जैसे ही दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, कुछ इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस नजर आएगा। आप यहाँ पे देखो जो आपका जो पुराना वाला जो ईमेल आईडी इसके अंदर अपडेट है, वो वाला ईमेल आईडी यहाँ पे आपको दिखेगा। ये मेरा दोस्तों देखो ये पुराना वाला ईमेल आईडी जो कि मेरा इसके अंदर अपडेट है, और ये वाला ईमेल आईडी दोस्तों अभी मेरे पास अवेलेबल भी नहीं है, तो इसलिए दोस्तों मैं ईमेल आईडी को अपडेट करूंगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अपडेट वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। दोस्तों अपडेट वाला ऑप्शन जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे कह रहा है ईमेल आईडी डालने के लिए कह रहा है, और नीचे कह रहा है री इंटर ईमेल आईडी। तो यहाँ पर दोस्तों जो नया वाला ईमेल आईडी हम अपडेट करना चाहते हैं, वो वाला ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दिया है, मैंने अपना जो करंट वाला जो मुझे अपडेट करना है ये वाला मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपडेट वाला ऑप्शन पे कर देना है क्लिक, और जैसे आप अपडेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका सीआरएन नंबर शो होगा, आपका खाते का जिसके भी खाते पे खाते जिसका भी नाम है उसका नाम यहाँ पे शो होगा, और नया वाला ईमेल आईडी यहाँ पे शो होगा जहाँ कह रहा है न्यू ईमेल आईडी। तो ये वाला दोस्तों हमारा ईमेल आईडी है, आपको देख लेना है सही है या गलत है, आपको कंफर्म कर लेना है, ठीक है। अगर आपके सही है तो दोस्तों आपको यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक, और जैसे आप कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ओटीपी जाएगा, जहाँ पे दोस्तों देखो नीचे यहाँ पे कह रहा है प्लीज चूज एनी ऑफ द बिलो मेथड टू ऑथेंटिकेट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ओटीपी वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। तो दोस्तों जैसे आप ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपका जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा, जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी चला जाएगा। तो ओटीपी आप यहाँ पे डाल लेना, तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ।
तो मैंने यहाँ पे अपना ओटीपी डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे मैं सबमिट कर दूंगा। सबमिट आपको भी कर देना है ओटीपी डालने के बाद। एक सेकंड, तो सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे सक्सेस हमारा यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे कह रहा है योर ईमेल आईडी हैज बीन सक्सेसफुली अपडेट। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा रिक्वेस्ट आईडी है, ये नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो, और आपका जो दोस्तों ईमेल आईडी इसके अंदर अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों चलो हम यहाँ पे होम पेज पे आते हैं, और होम पेज पे आने के बाद हम दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमारा ईमेल आईडी जो अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। सेम वही प्रोसेस, आपको अपने सर्विस रिक्वेस्ट में जाना है, प्रोफाइल में जाना है, और वहां पे आपको ईमेल आईडी अपडेट वाले ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पे दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा ऊपर ईमेल आईडी आपको दिख रहा होगा, जो हमने नया वाला ईमेल आईडी अपडेट किया है, हमारा ईमेल आईडी यहाँ पे अपडेट हो गया है। दोस्तों यहाँ पे कि हैंड टू हैंड आपका ईमेल आईडी जो तुरंत ही अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर दोस्तों इस तरीके से आप ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हो घर बैठे अपने मोबाइल फोन से। तो दोस्तों देखो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना, बहुत सारा प्यार देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।